अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस मेरा नाम है सलमान, आप देख रहे हैं सलमान खाकीज़ इन्फो। आज की वीडियो में आप गाइस हम बात करने वाले हैं कि पीसी बिल्ड 25,000 पीस के अंदर एक पीसी बिल्ड बनाने वाले हैं और कंप्यूटर मतलब एक गेमिंग कंप्यूटर बनाने वाले हैं 25,000 पीस के अंदर। और 25,000 पीस के अंदर सिर्फ आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग वो भूल जाओ, वो इस 25,000 के अंदर नहीं हो सकती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को कहीं स्किप किया तो फिर भूल जाओगे और समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है गाइस, मिलते हैं इंट्रो के बाद, फिर लेट्स गो। तो गाइस अगर हम बात करें 25,000 पीस के बिल्ड की अगर बात करें तो 25,000 पीस सबसे प्रोसेसर पे आ जाते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इंटर कोर i3 मैंने आपको चूज़ करके दिए, इंटर कोर i3 2100, टू कोर्स 4 थ्रेड्स मिलते हैं 2000 पीस के अंदर। प्रोसेसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। कोर जो थ्रेड्स में इंटरेस्टिंग बात नहीं है, क्योंकि कोर जो थ्रेड में ये रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग करवाने के बिल्कुल कैपेबल नहीं है, कोर जो थ्रेड्स आप नहीं ले सकते, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग आप नहीं कर सकते 25,000 के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें तो 3.10 GHz बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है और ये बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि जो इंटेल के 10th Gen प्रोसेसर्स होते हैं उनमें कोर थ्रेड तो मुझे पता है ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बेस फ्रिक्वेंसी बहुत कम मिलती है। और अगर आप मल्टीटास्किंग आप जी भर के करो, मल्टीटास्किंग बहुत आराम से आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रोसेसर की बेस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उस प्रोसेसर में आपको मल्टीटास्किंग के मतलब है, अगर आपके पीसी के क्रोम टैब्स खुलें, कोई आप गेम डाउनलोड कर रहे हो और साथ आपने कोई गेम खेलनी है तो पीसी आपका लैग करता है, हीट अप हो जाता है। लेकिन इस 3.10 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी के साथ पीसी ना आपका लैग करेगा ना क्रैश होगा, क्रैश तो होएगा नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है और रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग भूल जाओ नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर गाइस आपने दुकानदार से कहना है कि आपको एक अच्छा सा मदरबोर्ड दे 2 RAM, गाइज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने 2 RAM स्लॉट्स वाला लेना, 4 RAM स्लॉट्स वाला आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं, 2 RAM स्लॉट्स वाला आपने लेना है, ठीक है, और 4 RAM स्लॉट्स वाला नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आप 4 RAM स्लॉट्स की ज़रूरत भी नहीं है, 2 RAM स्लॉट्स में काफ़ी लोगों का गुजारा हो जाता है। आपने मैं गाइज फिर हाथ जोड़ के बता रहा हूँ आपको, 4 RAM स्लॉट्स वाला आपको ज़रूरत ही नहीं है, 4 RAM स्लॉट्स वाला आपने लेना नहीं, 2 RAM स्लॉट्स वाला लेना है। उसे कहना है कि अच्छा मदरबोर्ड और ये सारा यूज्ड पे पीसी है और अच्छी हालत में यूज्ड में, उससे कहना है गाइस उससे वारंटी भी पूछ लेनी है कि वारंटी कितनी निकालेगा, वारंटी के साथ आपने लेना, अगर वारंटी के बगैर लोगे मसला आ जाएगा फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में, इसलिए वारंटी पूछ लेनी है। उसे कहना अच्छा सा मदरबोर्ड दो 2 RAM स्लॉट्स वाला, 4 RAM स्लॉट्स वाला आपने नहीं लेना, ठीक है। अब हम ग्राफिक्स कार्ड पर आ जाते हैं, जिसमें मेन हमें गेमिंग करवानी है, जाहिर सी बात है ग्राफिक कार्ड हमने लिया है AMD की तरफ से ATI Radeon HD 5870, ठीक है। ये जो ग्राफिक कार्ड है 1 GB का DDR4 में आता है मेरे ख्याल से, और 1 GB का है। और मैं आपको बता देता हूँ इस ग्राफिक्स कार्ड में आपकी कौन कौन सी गेम्स चल जाएंगी, GTA 5 और आपकी चल जाएगी, फॉर्टनाइट चल जाएगी आपकी, और आपकी और कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ, इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपकी चल जाएगी GTA 5, फॉर्टनाइट और पबजी आप नहीं प्ले कर पाओगे, RDR2 साइबर पंग ये भूल जाओ, ये नहीं प्ले होने वाली, और आप फॉर्टनाइट प्ले कर सकते हो, GTA 5 और यही गेम्स प्ले करनी होती है लोगों ने, और आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो माइनक्राफ्ट प्ले कर सकते हो, यहाँ पर आप काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव इस तरह का कोई गेम का नाम है, आप ग्लोबल ऑफेंसिव काउंटर स्ट्राइक भी गेम, इस तरह की जो छोटी छोटी गेम्स हैं, जो आप इतना बता दो 2015 तक जितनी भी गेम आराम से प्ले कर सकते हो, और वो भी अगर आपको ये 1080p के लिए तो नहीं ग्राफिक कार्ड बना, लेकिन 720p पे जो गेम आपने प्ले करनी है वो और भी, वो भी 2015 तक है आराम से प्ले होगी 720p पे, 720p मीडियम से हाई सेट पर 2015 तक जो भी गेम्स है वो आराम से प्ले होंगी। और जो गाइस 2015 से अबव गेम्स है ना,
वो यहाँ पर प्ले नहीं होंगी, भूल जाओ वो तो प्ले होने नहीं वाली क्योंकि उनके लिए ग्राफिक्स डिमांडेड गेम है, वो नहीं प्ले होंगी, इतना इतनी ही गेम प्ले हो जाएंगी। रैम की बात करते हैं, रैम 8 GB चूज़ किया मैंने, किंगस्टन की 8 GB मैंने इस तरह की चूज़ किया, और आपको DDR3 ये भी मिल जाएगी, और 1333 MHz की सपोर्टेड रैम है। तो आप ये गेमिंग अगर हमने 8 GB रैम काफ़ी है इस बिल्ड के लिए, मैं तो 4 GB चूज़ करने लगा था, तो मुझे बजट के हिसाब से ये ठीक रहेगी, तो मैंने ये चूज़ कर ली, क्योंकि आजकल के हालात का आपको पता ही, ग्राफिक्स कार्ड की इतनी, और ओप्पो से कोविड है और ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टिंग हुई है, तो ग्राफिक कार्ड मिल नहीं रहे, ऐसे मैंने NVIDIA को चूज़ कर ही नहीं सकता था। AMD को बहुत मुश्किल से ढूंढा ढांडी कर कुर के मैंने ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत मुश्किल से चूज़ किया। तो ठीक है, तो आज के तो पावर सप्लाई की बात कर लें, पावर सप्लाई 400 वॉट की आपको पावर सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है, पावर सप्लाई भी आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, 400 वॉट इस बिल्ड के लिए इनफ है, 2000 PS की पावर सप्लाई है। रैम की बात कर और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो 8000 में आपको मिल जाएगा, और जो हमारा मदरबोर्ड है वो 4000 का मिल जाएगा, जो मदरबोर्ड आप इस प्रोसेसर के साथ लोगे, और जो जो वो हमारा है प्रोसेसर वो आपको मिल जाएगा 2000 का। केसिंग की बात कर ले, केसिंग मैंने बहुत 8 GB से चूज़ नहीं की, केसिंग मैंने सिर्फ आम सी चूज़ की है, 1000 की आपको ये भी केसिंग मिल जाएगी। और अब आपको स्क्रीन पर सारे दिख रहे हैं, मैंने आपको सारे स्क्रीन पर शो करवा दिए हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह प्रोसेसर तो मैंने सारा आपको शो करवा दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में मैं एम करता हूँ 12 लाइक का एम है इस वीडियो पे कंप्लीट कर देना, क्योंकि यार अब आपको पता ही है मेरे 32 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 12 लाइक मैंने ज़्यादा तो नहीं मांगे, इसलिए आप कंप्लीट कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक कंप्लीट करने से हमें मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बड़ी खुशी होगी, आपके एक लाइक करने से हम मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आपके लिए बहुत आसान सी बात है, आपने बस लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यार लाइक टारगेट कंप्लीट करके ही जाना, इस तरह की और अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, और ठीक है यार चलते हैं फिर, बाय बाय।